गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। सुबह के बज रहे हैं 11 और अयान और पीहू अभी दोनों नहा रहे हैं। तो पीहू जो है वो ब्रश कर रही है और आप अयान की बातें आवाज़ सुन सकते हो। वो बोल रहा है कि मैंने भी ब्रश करना कि आप मेरे को ही अपना ब्रश दे दो। वो पीहू से है ना, वो अपना ब्रश मांग रहा है कि मेरे को ब्रश दे दे तो ताकि मैं भी ब्रश करूँ। इतने गंदे बच्चे हैं ये। देखो आप उसकी आवाज़ सुनो कैसे चिल्ला रहा है वो। ये देखो वो पीहू ब्रश कर रही थी, उसको हो रहा है कि पीहू ब्रश कर रही है तो मैंने भी करना है। अभी पीहू की जो वो ऑनलाइन क्लास लगी हुई थी, वो पढ़ रही थी, उसकी मैथ की क्लास थी आज। तो मैंने इसको ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ था और ये इसको इसके पापा ने उठाया था और ये बोल रहा था कि मेरे को नीचे उतारो नीचे उतारो। इसको हमने नीचे उतारा, फट से भाग कर गया। मतलब कि वह अभी क्रॉलिंग करता है तो क्रॉलिंग करके फटाफट चला गया दीदी के पास कि दीदी यहाँ पे, मैंने भी वहीं पर जाना। उसके पास जाके बैठ के चिल्लाने लग पड़ा। तो मतलब ऐसा कि यहाँ पर पीहू वहीं पर आयु वाले आयु बाबा अभी नहा के आ गया है और उसने आज पता क्या डाला है, प्रिंसेस वाली ड्रेस में उसने आज ना पीहू की शर्ट डाली है, टी शर्ट डाली है। मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो, आप तो आज प्रिंसेस लग रही हो। आयु आप प्रिंसेस हो? ये देखो हमारी प्रिंसेस। हेलो, इसको बस जो भी चीज है ना बस मुंह में घुसेड़नी है, खाना नहीं खाना। पर बाकी सब चीजें मुंह में जाएंगी, वैसे खाना नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ मुंह में जाएगा। आज है सैटरडे तो आज धुलवाने हैं कपड़े, तो मैं कपड़े धोने के लिए इकट्ठे कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो हेल्पर हैं अभी वो आ रही हैं, तो इसलिए सारे कपड़े इकट्ठे करके हम बाहर रख देंगे धोने के लिए। तो चलिए हम सब। तो दोपहर के खाने की हो रही है तैयारी और हम बनाने वाले हैं फ्लास बीन। देखिए आज बनाई दीदी, बना रही है फ्लास बीन। दीदी बनाएंगे फ्लास बीन और ये देखिए गंदा बेबी, देखिए ना तेरा सिर ठीक कि तेरा पापा मेनू तनखा नहीं दे रहे। मैंने कोई तनखा नहीं दे रही। जो है अभी बस सो गया है। दीदी ने बना दी है सब्जी और मैं बोलूँगी आटा और साथ में बनाएंगे हम घी के रहता है और फिर डालेंगे टिफिन। तो देखिए अयान जो है वो सो गया, दिखाती सोता हुआ इतना शरीफ लगता ना भाई कि इसके जैसा शरीफ कोई दुनिया में भी नहीं है, पर है एक नंबर का कूड़ा। बस अभी देखते हैं फटाफट आटा गूंथती हूँ, डालती हूँ दही पकौड़ियाँ क्योंकि अभी टाइम जो है वो हो गया है 1:05 और 2 हमारे टिफिन लेने के लिए लड़का आ जाता है। तो बस फटाफट गूंथेंगे आटा, फिर बनाएंगे चपाती और बनाते हैं दही का। चलिए बनाते हैं। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. रिमोट के साथ खुद ही खेल रहा है। हाय, आज तो मेरा गुगू पूरी लड़की लग रहा है। आज तो आप बड़ी प्रिंसेस लग रहे हो गुगी। हेलो, आप तो प्रिंसेस लग रहे हो आज बड़ी। हाँ तो हेलो बोलो। हेलो हेलो। जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो ये 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 सब जो है ना नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, कोई देख के बोल सकता है कि इधर ही अभी 10 आधा घंटा पहले जो यहाँ पे पूरी सफाई हुई है। जब आपके घर में छोटे बच्चे होना तो आप सफाई नहीं ऐसे रख सकते क्योंकि वो कुछ नहीं रखने देते। उनका जो मर्ज करता है वो खेलते हैं, जो मन करता है चीज़ें फेंक देते हैं, है ना। पीहू जो अपनी स्टडी कर रही है और ये गंदा बच्चा उसको स्टडी नहीं करने देता। देखिए
देखो उस बच्चे को, देखो उस बच्चे को। अयान नो, छोड़ दो, दीदी का सामान है। नो बंदी कर लेते इससे अच्छा। भाई उसने सारा पढ़ना है भैया, उसने पढ़ना है अभी। गंदा बच्चा बोल रहा है, मैंने भी स्टडी करनी है, बहुत गंदा बच्चा ये। शाम के बज रहे हैं 6 और अयान और मैं घूम रहे हैं गली में। भैया जैसे ही शाम होती है ना, उसको तो कुछ हो जाता है, बाहर चलो बाहर चलो। मैं सुबह से अंदर हूँ, देखो उसको इतनी खुशी बाहर आने में, कोई हिसाब नहीं। इसका बस चले ना, ये तो सर्दी धूप में बाहर घूमे, इसको बड़ी मुश्किल से अंदर रखना पड़ता है दोपहर में। तो अभी ये बाहर घूम रहा है और अभी 6 बज रहे हैं और फिर भी इतनी ज़्यादा धूप है ना बाहर। में धूप देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। पहले ये था कि मैं हम बच्चों को लेकर ना यहाँ पे इस एरिया में घूमने आ जाती थी मैं, लेकिन अब ऐसा है कि बरसातें हैं तो बहुत ज़्यादा घास हो जाती है, इसलिए मैं बच्चों को लेकर बाहर नहीं जाती। मेरे को सेफ नहीं लगता वहाँ पर जाना इतनी ज़्यादा घास में, तो इसलिए मैं इसलिए आयु को गली में घुमा रही हूँ आज। And I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss. So चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।